गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए अब हम लोग उसके बाद, इसके पहले हम लोग देख चुके थे प्रीपोजिशन एट, ऑन, इन का यूज, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि यूज फॉर टाइम, यानी कि ओनली फॉर हम लोग टाइम के लिए देख रहे थे। अब हम लोग यहाँ से देखना शुरू करते हैं यूज ऑफ एट, ऑन, इन फॉर प्लेस, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब कि किस किस जगह पर एट, ऑन, इन का प्रयोग होता है स्थान के लिए। इसके पहले हम लोगों ने देखा था टाइम के लिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्थान के लिए। अब प्लेस के लिए जो हम लोग देखने वाले हैं, इसमें है हम लोगों के पास में एट। एट का प्रयोग जो हो रहा है यहाँ पे है स्मॉल प्लेस के लिए, जबकि यहाँ देखिए ऑन, ऑन का प्रयोग किया जा रहा है सरफेस प्लेस के लिए, और इन, यहाँ पे इन जो है इन का प्रयोग किया जा रहा है इनक्लोज प्लेस के लिए। यानी कि जब स्थान, कोई छोटे स्थान का नाम दिया जाए, ठीक है, किसी छोटे स्थान का नाम दिया जाए, उसको नाम कॉमन नाउन के रूप में होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर नाउन के रूप में नहीं होना चाहिए। अब बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कैसे जाएगा, उसके बाद हम लोग को पता लग जाएगा एग्जाम्पल में ही। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि स्मॉल प्लेस के रूप में, जैसे हम लोग के पास है विलेज, यहाँ पे हो गया हम लोग के पास में हो गया, जैसे विलेज है, टाउन हो गया, स्ट्रीट, सेंटर, कॉर्नर, टॉप ऑफ, बॉटम ऑफ, नियर ऑफ, या पेज 20, ऐसे करके वर्ड दिया गया। ये सारे वर्ड्स जो है वे स्मॉल प्लेस को इंडिकेट करते हैं, और इन वर्ड्स के पहले हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से अगला पार्ट जो हम लोग के बनता है, यानी प्रीपोजिशन ऑन जो बनता है, जिसमें हम लोग सरफेस प्लेस की बात करते हैं। सरफेस प्लेस के मतलब हो गया खुला क्षेत्र, यानी वैसा क्षेत्र जो खुला है। खुला क्षेत्र के नाम, यदि अगर खुला क्षेत्र के बारे में बात किया जाए, तो जैसे हो गया माउंटेन, तो माउंटेन क्या है, खुला क्षेत्र है, तो माउंटेन के पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना है। अब जैसे हो गया द रूफ, द चेयर, द टेबल, द विंडो, द रोड, द ट्री, ये सारे वर्ड्स जो लिखे गए यह ओपन प्लेस को इंडिकेट करते हैं। तो जितने भी ओपन प्लेस होंगे, उन सारे ओपन प्लेस के साथ में हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। अगला हम लोग के पास में है प्रीपोजिशन इन। प्रीपोजिशन इन का प्रयोग इनक्लोज प्लेस के लिए होगा। इनक्लोज प्लेस के मतलब हो गया बंद क्षेत्र, यहाँ पे बंद क्षेत्र की बात की जाएगी। अब बंद क्षेत्र में जैसे हो गया आपको सिटी, कंट्री, स्टेट, रूम, योर बैग, योर बुक, योर पॉकेट, दरी भर, ये सारे वर्ड्स जो हैं या इनक्लोज प्लेस में, और सभी इनक्लोज प्लेस के साथ में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा, इन सभी इनक्लोज प्लेस के साथ में। अब यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पे तो हम लोग बात किए कि यह सरफेस एरिया होगा या इनक्लोज एरिया होगा, और यह जो है यह स्मॉल प्लेस है, तो स्मॉल प्लेस दोनों हो सकता है, सरफेस एरिया में भी हो सकता है और इनक्लोज प्लेस में भी हो सकता है। अब इसको हम लोग को समझना है कि सरफेस एरिया में कैसे स्मॉल प्लेस होगा या इनक्लोज एरिया में कैसे स्मॉल प्लेस होगा, तो इसको जानने के लिए आप आगे हमारे साथ बने रहिए, और आगे हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, उसी से हम लोग को पता लग जाएगा कि इनक्लोज प्लेस में स्मॉल प्लेस कैसे होगा, और उसी के साथ में देखेंगे कि सरफेस प्लेस के साथ में भी स्मॉल प्लेस कैसे होगा। इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने बोला था कि कुछ ऐसे जगह होते हैं जो खुला है पर, मतलब कि सरफेस एरिया है पर वह स्मॉल एरिया में भी आ जाएगा, और कुछ ऐसे जगह भी है जो इनक्लोज एरिया है पर स्मॉल एरिया में आएगा, तो कैसे होगा इसके लिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल रखते हैं, और इसके बाद पता लग जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा। अब जैसे देखिए, चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल में लिखे हैं आई एम लिविंग इन अ विलेज। यहाँ देखिए विलेज एक स्मॉल प्लेस है, बट स्मॉल प्लेस होने के बावजूद भी इसके साथ में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब कि यह स्मॉल प्लेस न होकर के इनक्लोज प्लेस बन रहा है। अब इसको हम लोग को देखना है कि पता कैसे चलेगा, क्योंकि वहां पे वर्ड में हम लोगों ने लिखा था विलेज,
तो विलेज में क्या होगा कि हम लोग एट लगाएंगे और क्या होगा कि इन लगाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जांपल देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने रखा आई एम लिविंग एट रामपुर, अब यहाँ पे देखिए एक रामपुर भी विलेज का नेम है। अब यहीं से क्लियर हो जाता है, यदि वर्ड के रूप में विलेज दिया हुआ रहे तो यह आपको कॉमन नाउन है, और जब कॉमन नाउन आएगा तो प्लेस छोटा हो या बड़ा हो सबके साथ में आपको प्रीपोजिशन इन का यूज करना है। लेकिन जब आपको प्लेस का नेम दिया हुआ रहे, यानी कि प्रॉपर नाउन में रहे न कि कॉमन नाउन में, जैसे रामपुर मैंने लिखा, रामपुर यह एक प्रॉपर नाउन है न कि कॉमन नाउन है। तो जब यह प्रॉपर नाउन हो जाएगा तो प्रॉपर नाउन के साथ में हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे, लेकिन कब, जब यह स्मॉल प्लेस के नेम के रूप में रहेगा। तो विलेज क्या है, स्मॉल प्लेस है, लेकिन स्मॉल प्लेस में यहाँ पे विलेज था कॉमन नाउन, इसलिए इन। अब रामपुर भी विलेज का ही नेम है, लेकिन कॉमन नाउन ना होकर के था प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन होने की वजह से यहाँ पे क्या लिख दिया गया, एट लिख दिया गया। ये हम लोग के पास क्लियर हो गया। अब अगला हम लोग जैसे चलते हैं एग्जाम्पल में, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर स्टैंडिंग ऑन द रूफ। यहाँ पे देखिये रूफ, या रूफ जो है एक सरफेस एरिया है, खुला क्षेत्र है, और खुला क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन लगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपने आप फिर पता लगेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। अब यहाँ जैसे मैंने लिखा, दूसरा अगला क्वेश्चन मैंने रखा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, यू आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ रूफ। यहाँ पे है यू आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ रूफ, यहाँ पर भी रूफ ही है, रूफ, लेकिन रूफ होने के बावजूद भी यहाँ देखिए प्रीपोजिशन एट लगा हुआ है। तो रूफ होने के बावजूद भी प्रीपोजिशन एट लगने के पीछे रीजन है, यहाँ रीजन क्या है कि इसमें देखिए वर्ड में कॉर्नर लगा हुआ है, कॉर्नर, कॉर्नर के मतलब हो गया किनारा, और यह जैसे ही बोला कि कॉर्नर तो यह स्मॉल प्लेस बना लिया न कि सरफेस प्लेस, यानी सरफेस प्लेस में भी स्मॉल प्लेस, जिसके वजह से अब यहाँ पे हम लोगों ने प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया। सेकेंड टर्म में आ गए। अगला चीज हम लोग चलते हैं, जैसे देखते हैं किसी और को लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा शी इज प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ देखिए फील्ड जो है, अब फील्ड को देख रहे हैं हम लोग, अब दिमाग में यहां बनेगा कि अभी बोला गया था कि जब सरफेस एरिया होगा तो प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा, जब इनक्लोज प्लेस होगा तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग देखते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, क्या देखिए मैंने पहले से ही लिख करके रखा है रूफ और फील्ड, ये दो ऐसे वर्ड हैं जिसको बिल्कुल, अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है रूफ और फील्ड, ये दो वर्ड आप बहुत देर से देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा क्या कि ये दो वर्ड क्यों लिख करके छोड़ा हुआ है, और इस वर्ड को इसलिए मैंने लिखा ताकि आगे जैसे ही आएंगे तो उसका यूज हमको देखना होगा, उसके बारे में जानना होगा। अब यहाँ पे देखिए रूफ जो है वह हमेशा इनक्लोज होते हुए भी सरफेस होता है, क्योंकि छत कभी भी होता है तो हमेशा किनारे से जरूर बैंड कर दिया जाता है, यानी बंद कर दिया जाता है, जिसके वजह से इनक्लोज होता है, लेकिन इनक्लोज होने के बावजूद भी यह सरफेस होता है। उसी तरह से आप चलिए फील्ड देखिए, फील्ड हमेशा आपको सरफेस दिखेगा मगर होता इनक्लोज है, यानी दोनों एक्सचेंज है, रूफ क्या है इनक्लोज होते हुए सरफेस है, और फील्ड क्या है इनक्लोज सरफेस होते हुए इनक्लोज है, यानी उल्टा होता है। तो यही वजह है, अब यहाँ पे आइए देखिए एकदम पता लगेगा, शी इज प्लेइंग इन द फील्ड, फील्ड के पहले इन लगा तो रीजन है कि फील्ड सरफेस होते हुए इनक्लोज है। अब पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं इनक्लोज प्लेस के साथ में इनका प्रयोग होता है। अगला चीज है हम लोग के पास, चलिए उसी फील्ड से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है, उसी को देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि दोनों में क्या फिर से हुआ। शी इज सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ फील्ड, देखिए फील्ड, फील्ड के साथ में फिर से यहाँ पे एट लगा, यानी द तो यहाँ पे है तो यहाँ पे लगा एट, एट क्यों लगा, अभी पहले ही इसके जस्ट पहले हम लोग देखे थे कॉर्नर, कॉर्नर के साथ हमेशा क्या लगता है एट लगता है, चाहे वह सरफेस एरिया हो या इनक्लोज एरिया हो, जैसे ही कॉर्नर आ जाता है वह उसको एक स्मॉल प्लेस के रूप में बदल देता है, और जिसके वजह से क्या है कि यहाँ पर फील्ड के साथ में भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया गया।
क्लियर है। यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि फील्ड जो बात कर रहे हैं या रूफ की बात कर रहे हैं, रूफ को आप हमेशा याद रखिएगा, रूफ हमेशा आपका इनक्लोज होते हुए सरफेस होता है, ठीक है, और फील्ड जो है हमेशा सरफेस होते हुए इनक्लोज होता है, यानी दोनों एक दूसरे से चेंज होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहां से दो चीज क्लियर हो गया प्रीपोजिशन में कि टाइम और प्लेस, यानी किस टाइम के साथ में इन, एट, ऑन का प्रयोग होगा, इसके बारे में आपको क्लियर हो गया, और उसके बाद प्लेस के साथ में भी आपको क्लियर हो गया कि किस प्लेस के साथ में प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा या फिर इन का प्रयोग होगा। और जाहिर सी बात है इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा कि इनक्लोज प्लेस के साथ में भी सरफेस बनता है, सरफेस के साथ में भी इनक्लोज बनता है, और प्लेस सरफेस हो या इनक्लोज हो दोनों के साथ में सेंटर प्लेस बनता है। क्लियर।